29 से शुरू 29 में खत्म। नवाबों की शहर में गेंदबाज का कहर, इंग्लैंड को पीना पड़ा पराजय का जहर। साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र निखिलेश्वर साहू आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आईसीसी विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता का 29वां मुकाबला लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से भारत और इंग्लैंड के मध्य खेला गया, जहां दोनों टीमों की प्रतिष्ठा दांव पर लगा था। भारत 2003 के बाद इंग्लैंड के खिलाफ एतत एक जीत के लिए तरस रही थी। वहीं इंग्लैंड अभी तक इस विश्व कप में मिली 4 पराजयों के जख्म की वेदना से निजात के लिए किसी भी प्रकार से इस मैच को जीतकर अपने जख्मों पर मरहम लगाने के ख्याल में उतरी थी। टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया और उनका यह दाव लगभग 16 आना सफल रहा। 40 रन के योग पर 3 विकेट झटक कर भारतीय खेमे में सिरहन पैदा कर दिया। अब सारा दारोमदार कप्तान रोहित शर्मा और विकेट कीपर केएल राहुल पर टीका था कि भारतीय टीम की दुपटी नैया को किस प्रकार उपार लगाया जाए। कप्तान रोहित ने राहुल के साथ धैर्य और संयम की प्रतिमूर्ति बन भारत के बीच मझधार से धीरे धीरे उबारने का प्रयास किया। दोनों का यह प्रयास काफी हद तक सफल रहा। दोनों ने 18.1 ओवर तक इंग्लिश आक्रमण का जोरदार प्रतिरोध किया और चौथे विकेट के लिए 91 रन जोड़कर टीम को स्थिरता प्रदान करने का भरसक प्रयास किया। लेकिन 31 के स्कोर पर राहुल के आउट होते ही भारत एक बार फिर संकट में फंस गई। अब भारत की लाज बचाने की पूरी जिम्मेदारी 360 डिग्री के नाम से भारत ने चर्चित सूर्य कुमार यादव के कंधों पर टिका था। भारत का स्कोर 164 रन था, तभी आदिल रशीद ने रोहित शर्मा को 87 रन के योग पर पवेलियन भेजकर सन्न कर दिया। धीरे धीरे भारतीय टीम इंग्लिश गेंदबाजों के सामने हथियार डालते गए और 50 ओवर की समाप्ति के पश्चात भारत का स्कोर 9 विकेट पर 229 रन पर समाप्त हो गया, जहां डेविड वेली ने 3, वहीं क्रिस बुक्स और आदिल राशिद ने 2-2 विकेट लेकर भारतीय खिलाड़ियों को पवेलियन पहुंचाया। भारत अगर संघर्ष करने लायक स्कोर तक पहुंचा तो इसमें सूर्य कुमार यादव का 49 रनों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अब इम्तिहान भारतीय गेंदबाजों का था, जहां यह सिद्ध करने के दिखाना था कि वाकई में हम इस कप के सशक्त दावेदार हैं। इंग्लैंड के लिए बेरेस्टो और डेविड मलान ने 4.4 ओवर में 30 रन जोड़कर बेहतरीन शुरुआत दी, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर मलान को बोल्ड कर और 6वीं गेंद पर जो रूट को पगबाधा आउट कर इंग्लैंड को दोहरा झटका देकर भारतीय दर्शकों को जश्न मनाने का अवसर प्रदान कर भारतीय खेमे में उम्मीद का संखनाद कर दिया। 8वें ओवर की अंतिम गेंद पर समी ने बेन स्टोक को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड का कमर तोड़ दिया। 29 रन के योग पर एक बार फिर से समी ने जॉनी बेरेस्टो को बोल्ड कर इंग्लैंड को सोचने पर विवश कर दिया। कप्तान जॉस बटलर और मोइन अली बीच मझधार में हिचकोले खा रही इंग्लिश टीम की नैया का बेड़ा पार लगाने का प्रयत्न कर रहे थे, तभी कुलदीप यादव ने बटलर की गिल्लिया बिखेर कर इंग्लैंड के क्रिकेट प्रेमियों को स्तब्ध कर दिया। कुछ हद तक मोइन अली और लिविंगस्टोन ने भारतीय गेंदबाजों के कहर बरपाती धारदार गेंदबाजी आक्रमण के सामने रेत के धरंधी के भांति 129 रनों के योग पर ऑल आउट होकर चारों खाने चित नजर आए थे। भारतीय आक्रमण का कुछ हद तक लिविंगस्टोन ही सामना कर सके। इंग्लैंड की ओर से सर्वाधिक रन 27 रन बनाने में सफल रहे। भारत की ओर से एक बार फिर मोहम्मद शमी सबसे सफल गेंदबाज रहे और 7 ओवर में 22 रन देकर 4 बहुमूल्य विकेट अर्जित किया। जसप्रीत बुमराह ने 3, कुलदीप यादव ने 2, जबकि रविंद्र जडेजा को 1 विकेट मिला। इंग्लैंड की पूरी टीम 34.5 ओवर में 129 रन बनाकर 100 रनों से मैच हार गई। इस जीत के साथ भारत अंक तालिका में पुनः पहले स्थान पर काबिज हो गया। भारतीय गेंदबाजों की धारदार गेंदबाजी का प्रदर्शन कर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद की एक किरण अवश्य जगा दिया।
कि इस विश्व कप में सबसे प्रबल व सशक्त दावेदार हम भारतीय ही होंगे। एक संयोग देखिए, मैच क्रम 29, तारीख 29, भारत ने बनाए 229 रन और इंग्लैंड ने बनाए 129 रन, इसलिए मैंने इसका शीर्षक दिया 29 से शुरू और 29 से खत्म। दोस्तों, अगर यह इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का यह मैच रिव्यू आपको पसंद आया होगा तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, कैसा लगा जरूर से कमेंट करें। अगर आप नए होंगे तो हमारे से यूट्यूब चैनल N7 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।